गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें जो मनुष्य को खुद से रूबरू करवाती है। अगर हम मनुष्य गीता की बातों पर सही सही अमल करें तो ना तो वह कभी असफल हो सकता है और ना ही कभी किसी से धोखा खा सकता है। गीता कही गई बातें अनमोल है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। उसे अपने जीवन में आत्मसात करने से सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृष्ण ज्ञान टू यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं। सबसे पहली बात, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? क्या वे धन प्रेम अहंकार है? नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसके रहस्य होते हैं। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली विद्वान व सामर्थ्य हो, परंतु उसके रहस्य ही उसकी नाश की चाबी होती है। अगर आपको शक्तिशाली रहना है, प्रबल रहना है, सामर्थ्य में रहना है, तो आपको किसी को भी अपने रहस्य ना बताएं, ना ही अपने मित्र को, ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कौन किसका शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं है। रामायण में देखें तो विभीषण को रावण के अमृत कुंड के बारे में पता था, इसीलिए श्री राम रावण का वध कर पाए। इसीलिए यह उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। दूसरा, नकल ना करें। मनुष्य अपने जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और यह सब करने के पश्चात जब काम नहीं बनता तो वह नकल करने लगता है। क्या यह सत्य नहीं? अगर हम अपने बचपन की दिनों को याद करें, क्या आपको स्मरण हुआ जब विद्यालय में परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल अवश्य करता होगा और उत्तीर्ण हो जाते थे। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला कभी सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सभी के प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाइयां सभी के लिए अलग और भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए उन सभी के उत्तर सभी के लिए भिन्न भिन्न अवश्य ही होंगे ना। अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है तो नकल कभी ना करें, खुद के प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढें और सफलता आपकी होगी। सफलता और असफलता क्या है? मनुष्य का जीवन हार और जीत पर, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता ही रहता है। सभी के साथ ऐसा ही होता है। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तब हमारा मन प्रसन्नता और आनंद में झूमता रहता है, और जब आप असफल होते हैं तब हमारा मन दुख और पीड़ा सागर में डूब जाता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? थोड़ा ध्यान से सोचिए, यह केवल हमारी मनुस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त करता है। हमारी भी पराजय तब होती है जब हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम लक्ष्य पाना छोड़ देते हैं। हम तब असफल होते हैं जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। यह प्रयास करते रहिए और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। तीसरा, निष्काम कर्म करने की शक्ति। आपने बरगद का पेड़ अवश्य ही देखा होगा। आपको ज्ञात है बरगद के पेड़ के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु संसार में बरगद का पेड़ विशालकाय पेड़ों में से गिना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो शाखाएं, वो जटाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है
जैसे जैसे वह अधिक अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं बनकर उसकी जड़ तक पहुंच जाती है और उस वृक्ष को सहारा देती हैं। और यही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पथ है। अगर हम जीवन में बिना लोभ लालच के कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें, धीरे धीरे जिन जिन की सहायता की वे आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आपकी आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। जीवन में सहायता और निष्काम कर्म आपकी मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा बोलना हानिकारक होता है। हमारा मानव शरीर सबसे जटिल संरचनाओं में से है। हमारी प्रकृति में इससे ज्यादा जटिल संरचना किसी की भी नहीं। हमारा शरीर इतना जटिल है, अगर हम इसे गौर से जाने, इससे ज्यादा ज्ञान देने वाला और कोई भी नहीं। शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव गुण और वस्तुओं का बोध कराती है। हमारे पास आँख है, नाक है, स्पर्श करने के लिए त्वचा है, सुनने के लिए कान है, स्वाद के लिए जीवा है। सभी का विभिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथुने से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीवा से स्वाद लेना। अगर हम गौर करें, हमारे शरीर में देखने के लिए 2 आंखें हैं, सुनने के लिए 2 कान है और स्पर्श के लिए पूरा शरीर है, परंतु जीवा एक ही है, क्योंकि प्रकृति चाहती है हम देखें अधिक, सुने अधिक, हम अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें और बोले कम, क्योंकि अधिक बोलचाल नाश को आमंत्रित करता है। इस पर गौर जरूर फरमाइएगा। अगला बिंदु है, अपनों की पहचान कैसे करें। यह सदा ही कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ देना जरूरी है, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य जान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिसके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वह होते हैं जो हमें सत्कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ने में सहयोग करें, हमारा साथ दें, जो हमारा साथ समाज में हानि और अधर्म के मार्ग पर ले जाएं, वे सगे होकर भी सगे नहीं होते। तो इसीलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें ही अपना माने जो साथ दें, उन्हें नहीं जो अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। प्रगति के लिए जरूरी है अपनों से दूर रहना। मनुष्य चाहता है कि वह अपनों से दूर ना रहे, वे उनके समीप ही रहे। वह नहीं चाहता कि उनसे दूर रहे, उनसे बिछड़ जाए, परंतु एक पश्चात जीवन में उन्नति के लिए अपनों से दूर रहना आवश्यक है। माता पिता अगर संतान के जीवन के पग पग पर साथ देते हैं, तो वह संतान अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना कब सीखेगी, जीवन के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय पश्चात अपनों से दूर रहना लाभदायक होता है। अगला बिंदु है, सकारात्मक सोच की शक्ति। हम हमारे जीवन में जितना सकारात्मक सोचेंगे, उतना ही हम प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हम सभी के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं। अगर हम उन कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टि के नजरिए से ले जाएं, तो वे कठिनाइयां भी हमारे लिए आनंद की भांति प्रतीत होंगी। यही सोच हमारे जीवन को आकार देता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। कार्य करते करते थकान की भी अनुभूति होती है, और यदि थकान ना मिटे तो कार्य करने का मन नहीं होता। हम यह सोचते हैं, कदाचित एक दिन में 24 के बदले 26 घंटे होते तो हमें आराम करने के लिए और अधिक समय मिलता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। क्या यह सत्य है? परंतु क्या आपने यह सोचा है, जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में 24 घंटे ही थे, तो वे सफल कैसे हो गए? इसके पीछे छोटा सा रहस्य है। वे कार्य चुनते हैं,
जो उन्हें अत्यधिक प्रिय है, जिसे करने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। उन्हें लगता है कि वे कार्य कर ही नहीं रहे हैं, वे उस कार्य में आनंद प्राप्त करते हैं। तो जिस कार्य में आनंद प्राप्ति होती है, उस कार्य में थकान के कैसी। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, वह कार्य आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य से आपके मन को शांति मिलनी चाहिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अंतिम विषय, समय बहुत बहुमूल्य है। समय ही है जो हमारा आज और कल निर्धारित करता है। हमारा जीवन भी उस रेत के घड़े के भांति ही है। जो रेत नीचे गिर गई है वह हमारा अतीत है, और जो बची हुई रेत है वह हमारा आने वाला कल है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जीने के लिए यही क्षण है। तो उस समय का प्रयोग कैसे करना है, यह हम पर निर्धारित करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो आने वाला भविष्य है उसके प्रतीक्षा में क्रोध करना है। इसीलिए हमें प्रसन्नता के साथ जीना है, और उस प्रसन्नता के लिए यही एक क्षण है। अगर प्रतीक्षा करते रह जाओगे तो यह पल भी भूतकाल की तरह निकल जाएगा। इसीलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना करें। इसीलिए जो पल आपके पास है उसे आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ जिए, क्योंकि आप बीता हुआ कल वापस नहीं ला सकते। यह कुछ बातें श्री कृष्ण द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद् गीता में। इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया कमेंट करें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।